हेलो गाइस, वेलकम। आई एम पुष्पेंद धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जिसको भी कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट क्या है सुन लीजिए। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू द ट्राइंगल, मतलब कि कोई ट्राइंगल है, जैसे मैंने एक ये ट्राइंगल ले लिया है ए बी सी। अगर इस ट्राइंगल में वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी एक साइड हम लेते हैं टू अदर टू साइड, बाकी अदर टू साइड के उसमें, जैसे मान लो कि मैंने ये इस ट्राइंगल का साइड है, इसके पैरेलल मैंने कोई एक साइड लेना है इन द डिस्टिंक्ट टू पॉइंट अदर दो साइड। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ लिया मैंने और एक पॉइंट यहाँ लिया और ऐसे इनको मिला दिया, जिसको मैंने डी ई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? डी और ई। तो द अदर टू पॉइंट्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब वो सेम रेशियो डिवाइड, मतलब इक्वल प्रोपोर्शनल में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इसका मतलब ये है कि बेसिक बात ये है कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पहले कोई दो साइड के वहाँ पर पॉइंट रखते हैं और उसके पहले एक लाइन खींचते हैं, तो जो यहाँ पर जिसने जिसको डिवाइड किया वो उसको इक्वल प्रोपोर्शनल में डिवाइड करता है, मतलब सेम रेशोज में डिवाइड करता है। अब हमें इसको प्रूफ करना है। प्रूफ समझिएगा, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें क्या हाइट का रिक्वायरमेंट होगा, तो यहाँ पे एक मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा मैं, तो ऐसे डी एम और ई एन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब देखिएगा क्या होता है, हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सिंपल है प्रूफ, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आप निकालेंगे एरिया ऑफ ए डी ई, क्योंकि मुझे ए डी चाहिए, मुझे ए डी चाहिए, मुझे डी बी चाहिए, मुझे ए ई चाहिए, मुझे ई सी चाहिए। बस जहाँ जहाँ जिस जिस ट्राइंगल में उसका हम एरिया निकालने वाले हैं, और इसके अलावा हम इनको भी मिला देते हैं क्योंकि हमें इनकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब समझिएगा, मैं ए डी ई क्यों ले रहा हूँ, ए डी ई बिकॉज इसमें ए डी है। अब हम क्या, ए डी क्या होता है, एरिया हाफ हाइट इंटू बेस। अब आपको बताना है हाइट क्या होगी, बेस क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, बेस क्या होता है, जिसके ऊपर हाइट होती है। तो हम जो बेस लेते हैं, देखो एक ट्राइंगल में कितने बेस हो सकते हैं, दो बेस हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हम परपेंडिकुलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखो कि ये अगर मैं ये वाली हाइट लूँगा तो तभी मैं ए डी लूँगा, जब अगर मैं ये हाइट लूँगा, अगर मैं ये हाइट ले लूँगा फिर मेरे को ए ई लेना पड़ेगा, तो मैं इसलिए ए डी लूँगा, तो हाइट क्या हो जाएगी, ई एन। तो आपको जाएगा हाफ, हाइट कितना आपका ई एन, तो बेस आपका ए डी होगा, ऑब्वियस इक्वेशन वन मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे चाहिए डी बी, क्या चाहिए मुझे, डी बी चाहिए। डी बी चाहिए के लिए मुझे देखो ये ट्राइंगल रहा, मैं अगर ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ बी डी ई, कौन सा ट्राइंगल लेता हूँ बी डी ई, तो एरिया ऑफ बी डी ई, क्योंकि इसमें मेरे को बी डी मिल जाएगा, तो वही हाफ हाइट इंटू बेस। तो आप देखिएगा हाइट क्या होगी इसमें, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस पे जो भी परपेंडिकुलर रहेगा एक ही उसी साइड पर, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, वो उसकी हाइट कहलाती। क्या कहलाती, उसकी हाइट, उस पूरी साइड की। अगर वो यहाँ होता तो मैं इसको यहाँ लिख सकता था, इसलिए इसका हाइट भी ई एन ही होगा। तो ई एन है तभी इसका हम बेस क्या ले सकते हैं, डी बी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, डी बी। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकेंड हो गई है। इसके बाद हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ बी डी ई, ये आपका हो जाना है हाफ ई एन इंटू में ए डी, और ये हो जाएगा हाफ ई एन इंटू में डी बी। तो हाफ ई एन इसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका ए डी अपॉन में डी बी, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है। हमारा इतना पोर्शन पे काम ख़त्म। अब हम ये वाले पोर्शन पे आएंगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है मुझे ई ए ई चाहिए, तो ए ई इधर है, तो अपन लेंगे एरिया ऑफ वही ए डी ई, तो आप देखेंगे ए ई है, तो वो क्या होता है हाफ हाइट इंटू बेस। तो आप देखिएगा हाफ हाइट क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर डी एम लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ए ई चाहिए। इक्वेशन आपकी फोर हो गई है। फिर एरिया, अब मुझे ई सी चाहिए, ई सी यहाँ मिलेगा, तो वही आपका मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका एरिया ऑफ सी डी, तो जाएगा हाफ हाइट इंटू बेस। हाफ हाइट वही चीज, जैसे यहाँ पर आपका ई एन था, जैसे आपका हाइट यहाँ पर ई एन था, वैसे यहाँ पर आपका हाइट भी क्या होगा पूरे में डी एम होगा, और बेस क्या हो जाएगा ई सी। इक्वेशन फिफ्थ, तो वही आपका इक्वेशन फोर डिवाइड बाई इक्वेशन फिफ्थ। तो समझिएगा ज़रा, तो आपको जाएगा एरिया ए डी ई
अपॉन में एरिया सी डी, तो क्या हो जाना है आपका यहाँ पर हाफ डी एम इन टू में ए और हाफ डी एम इन टू में ई सी, तो हाफ डी एम ई सी आपस में क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचेगा ए अपॉन में ई सी, इक्वेशन क्या होगा ये सिक्स। अब बट इससे हमें मिला क्या, हमें तो इन दोनों को बराबर करना है। आप देखेंगे यहाँ पर है एरिया ए डी अपॉन एरिया बी डी, यहाँ पर ए डी तो लिखा है बट यहाँ पर सी डी लिखा है और यहाँ पर बी डी लिखा है, तो देखो जरा सी डी ई ये वाला आपका सी डी ये लिखा हुआ है और आपका दूसरा क्या है आपका बी डी ये बी डी, तो आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम क्या है डी सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, आपको पता है कि यहाँ पे खुद स्टेटमेंट लिखा है कि पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तो डी पैरेलल टू बी सी है, इसका मतलब आप देखेंगे डी पैरेलल टू बी सी है और दोनों का एरिया ऑफ आप देखेंगे बी डी और ट्राइंगल बी डी एंड ट्राइंगल सी डी दोनों का सेम बेस क्या है डी, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम होता है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में क्या होते हैं वो लाई करते हैं तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी डी ई, समझ में आई बात, तो इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल, मतलब हम यहाँ पर एरिया आपस में इक्वल लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ बी डी ई, तो आपका वही ए अपॉन में ई सी, इक्वेशन सेवन। अब आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ए बी डी और एरिया ऑफ बी डी और एरिया ऑफ ए बी डी एरिया ऑफ बी बी डी, तो आपका इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन जो सेवन है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेवन से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो ऑब्वियस ही बात प्रूफ हो जाएगा ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन में ई सी, तो ये आपका थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है वो आपकी प्रूफ होती है। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से 10th क्लास 12th क्लास 11 जितने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सभी के आप वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सभी वीडियोज़ की, चेकआउट करें देखें और जो भी डाउट है वो कॉमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।